नमस्कार दोस्तों, खबर एचपी में आपका स्वागत है। आप जानेंगे हिमाचल से जुड़े आज शाम की बड़ी खबरें, तो बने रहे हमारे साथ। आरटीए एक्ट में बच्चों को शारीरिक दंड देना अपराध, विपक्ष हंसराज को पद से हटाने पर अड़ा। जी हां, टीचर यदि बच्चों को गलती पर डांट या पिटाई कर दे तो सरकार बिना विलंब अध्यापक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। ये होनी भी चाहिए क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों को सजा की इजाजत नहीं देता। सवाल उठता है कि इस बार भी कार्रवाई होगी, क्योंकि पिटाई और बच्चों से बदजुबानी करने वाले टीचर नहीं बल्कि नेता एवं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हंसराज शर्मा है। शर्मा चंबा जिले की चुरा सीट से विधायक है। अर्की के युवकों ने 3-3 लाख रुपए में खरीदा था पानीपत के एजेंट से पेपर। जी हां, एक युवती सहित अर्की से गिरफ्तार किए गए 7 युवकों ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर खरीदने के लिए 3-3 लाख रुपए दिए थे। यह पैसा उन्होंने पानीपत से पकड़े गए एजेंट रौनक धनखड़ को दिया था। पुलिस पूछताछ के दौरान रौनक धनखड़ ने भी इस सभी युवकों को पहचान लिया है। वीरवार को सोलन पुलिस ने अर्की के रहने वाले सचिन वर्मा, नरेश कुमार, मनीष वर्मा, वीरेंद्र कुमार, खेमराज, अमन व प्रियंका को गिरफ्तार किया था। इन सभी को पुलिस ने सोलन कोर्ट में पेश किया है, जहां से 21 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लक्ष्य से आधे मकान भी नहीं बना पाया विभाग, मिलते हैं 1.85 लाख रुपये। जी हां, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाने वाले मकानों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। शिमला में शुक्रवार को यह निर्देश मुख्य सचिव राम सुभक्त सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिया गया। 2016 से अब तक राज्य के 61 शहरी निकायों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में 4967 आवास बनने हैं, जबकि 10,400 मकान बने थे। अभी शहरी क्षेत्रों में 5433 आवास बनने हैं, इनके लिए राशि भी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश में 4 कक्षाओं के 2.5 लाख विद्यार्थियों को मिलेंगे निःशुल्क स्कूल बैग, मुंबई की कंपनी करेगी सप्लाई। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2.5 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग मिलेंगी। खाद्य आपूर्ति निगम ने बैग खरीदकर ऑर्डर दे दिया है। मुंबई की कंपनी को सैंपल पास होने के बाद 7.50 करोड़ का ऑर्डर दिया है। इसके लिए 70 दिन का समय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के फोटो वाले स्कूल बैग दिए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में 1, 3, 6 और 9 कक्षा के विद्यार्थियों को बैग दिए जा रहे हैं। 2019 में भी बैग उपलब्ध करवाए गए थे। SSA की तर्ज पर NHM कर्मचारियों के लिए बन सकती है रेगुलर होने की नीति। जी हां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अनुबंध कर्मचारियों के लिए अस्थायी नीति बनाने के लिए शुक्रवार को भी चर्चा हुई। मिशन निदेशक कार्यालय शिमला में संयुक्त कमेटी की 3री व अंतिम बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रबंधन निदेशक हेमराज बैरवा ने की। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अनुबंध कर्मचारियों के लिए SSA की तर्ज पर नियमितीकरण व अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश के कॉलेज शिक्षक जाएंगे भूख हड़ताल पर, वर्चुअल बैठक कर बनाई रणनीति। जी, हिमाचल प्रदेश कॉलेज टीचर एसोसिएशन राज्य कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सभी महाविद्यालयों से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह बैठक 7वें UGC वेतनमान लागू करने के लिए महाविद्यालय के शिक्षकों के चल रहे संघर्ष की भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई थी। 12 मई से UG परीक्षा के मूल्यांकन का पहला ही बहिष्कार कर दिया है और इस मामले को हल करने के लिए मुख्य सचिव को 7 दिन का नोटिस दिया है। सरकार को दी गई नोटिस की अवधि इस महीने की 19 तारीख को समाप्त हो गई है, लेकिन कोई संचार नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार को छात्रों के भविष्य और कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वास्तविक मुद्दे की चिंता नहीं है। योल में 7 साल से बंद पड़ी पेयजल योजनाओं को किया जाए शुरू, लोग हो रहे परेशान। जी, गांव में शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने के लिए हैंडपंप तथा ट्यूब की योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करने में जुटी है, लेकिन गांव में अभी भी कुछ प्राकृतिक जल स्रोत ऐसे हैं जिनकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। कुछ योजना ऐसी भी है कि पर्याप्त पानी न होने से ठप होकर रह गई है। वजह क्या रही या तो पंचायत या फिर विभाग ही स्पष्ट कर पाएगा। बहरहाल इसे अनदेखी की शिकार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रतिबंधित सहित पकड़े दोषी को 11 वर्ष का कठोर कारावास। जी, स्थानीय अदालत ने NDPS एक्ट के तहत हरोली के नंगड़ काला निवासी व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 11 वर्ष से कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की शुरुआत में दोषी को 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। राज्य की ओर से केस की पैरवी जिला उप न्यायवादी नवीन कुमार धीमान ने की। मुख्यमंत्री करेंगे मेधावियों को लैपटॉप से सम्मानित। जी, शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 19-20 में 10वीं जमा 2 की बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले करीब 2900 मेधावियों को लैपटॉप के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा।
मंडी जिला में प्रस्तावित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित कर सम्मानित करेंगे। इसके साथ बता दें कि शिक्षा विभाग सम्मान समारोह कार्यक्रम की योजना को अंतिम रूप देने में लगा है। हालांकि कार्यक्रम की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन संभवतः मई के आखिरी सप्ताह या फिर जून के पहले सप्ताह में कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। गर्मी में भी सर्दी का एहसास करवा रहा हिमाचल का यह पर्यटन स्थल, रोहतांग की तरह नहीं परमिट का झंझट। जी हां, भीषण गर्मी से लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में जहां पारा 44 के पार है, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर 33 से 37 डिग्री के बीच है। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां गर्मी अभी तक ठंड पर हावी नहीं हो पाई है। ऐसा ही पर्यटन स्थल जिला चंबा के तहत साच पास है। 14 साल के नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, प्रशासन को नहीं लग पाई भनक, अब होगी कार्रवाई। जी हां, मंडी जिले के सदर हलके में 14 साल की नाबालिग एक बच्चे की मां बन गई है। उसने करीब डेढ़ माह पहले बच्चे को जन्म दिया था। उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है। शिकायत मिलने पर चाइल्ड लाइन ने नाबालिग व उसके बच्चे को अपने संरक्षण में लेकर बाल कल्याण के समक्ष पेश किया। CWC ने बयान दर्ज करने के बाद नाबालिग व उसके बच्चे को स्वजन को सौंप दिया है। पूरे मामले को लेकर सदर बाल विकास परियोजना अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। उद्योग लगाने को 50% तक देगी सब्सिडी। जी, वनों को आग से बचाने के लिए विभाग अब स्टार्टअप को बढ़ावा देने की तैयार में है। विभाग जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले पौधों को हटाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देगा। इसके लिए 50% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यह उद्योग बेरोजगारों को प्रोत्साहित करेंगे। विभाग चीड़ के पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगा। ये सभी उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में स्थापित होंगी। इसके अलावा सीमेंट उद्योगों को भी चीड़ के पत्ते निर्यात करने पर विचार किया जा रहा है। विभाग इस कार्य के लिए वनों के आसपास रहने वाले लोगों की मदद ले सकता है। तूफान ने धूल में मिला डाले बागवानों के अरमान, झड़ गई सेब की सारी फसल। जी, देर रात आए भयंकर तूफान ने बागवानों के सारे अरमान धूल में मिला डाले। हाँ, तकरीबन एक घंटे तक चले तूफान ने उपमंडल चौपाल के विभिन्न स्थानों पर खूब कोहराम मचाया। तूफान में उपमंडल की ग्राम पंचायत टिकरी, धनत, केदी, पोलिया, किरण व सिल्ला आदि क्षेत्रों में सेब की फसल जमीन पर झड़ गई है। इसके अलावा नाशपाती, आड़ू, पलम, बादाम एवं कई स्थानों पर टमाटर की फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ। गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार तूफान से विभिन्न फसलों को 40-50% तक का नुकसान बताया जा रहा है। कुरियर का सामान ले जा रही पिकअप खाई में गिरी, चालक की मौत। जी, शनिवार सुबह करीब 7 बजे नेशनल हाईवे 105 पिजौर नालागढ़ स्वार घाट पर कुंडलू में एक पिकअप सड़क से करीब 1000 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई है। इसमें एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक चालक की पहचान हरीश ठाकुर पुत्र रोशन लाल निवासी बनोट जिला मंडी के रूप में हुई है। यह पिकअप कुरियर का सामान लेकर मंडी की तरफ जा रहा था। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस चौकी जंगों की टीम मौके पर पहुंची है। 90 दिन में CBI जांच रिपोर्ट सदन में रखे सरकार, मंडी में गरजे सुखविंदर सिंह सुक्कू। जी, प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कहा है कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में ही पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है। कांग्रेस कई वर्षों तक सत्ता में रही, लेकिन कभी किसी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस जाँच को ठंडे बस्ते में डालने के लिए CBI को दे दिया है। CBI को जांच देकर सरकार मात्र औपचारिकता निभाने का प्रयास कर रही है, ताकि चुनावों तक सरकार की कारगुजारी को ढका जा सके। उन्होंने कहा है कि CBI की जांच रिपोर्ट अब कई महीनों बाद आएगी और तब तक प्रदेश में चुनाव भी हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।